पैटर्न इन नंबर्स, अगर किसी चीज को प्रूव करना होगा, किसी स्टेटमेंट्स को, किसी थ्योरम को, तो हमें सबसे पहले उस थ्योरम के बीच में हमको देखना होता है कि ऐसा कौन सा पैटर्न चल रहा है जो उस पूरे के फिर थ्योरम को एक ही दिशा में चल रहा है। तो अगर हमको कोई ऐसा पैटर्न मिल जाता है तो हम उस चीज को अच्छे से एक फॉर्मूले के हिसाब से, या एक फॉर्मूला भी दे सकते हैं उसके लिए। तो जैसे इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से शुरू होता है और पॉजिटिव इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, और इनके बीच में एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि सारे के सारे एक तो 2 से डिवाइड जाते हैं और 2+2+ करके एक पैटर्न बनाते हैं। और प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, दो इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 विद द प्रॉपर्टी दैट ईच इंटीजर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए, और वह इंटीजर खुद से और एक से डिवाइड होना चाहिए। ओनली एग्जैक्टली जिसका 2 फैक्टर होगा, एक से बड़ा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। तो प्राइम नंबर के बीच में अगर कोई एक ऐसा पैटर्न होगा तो हम प्राइम नंबर के लिए भी कोई ना कोई फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पर क्या प्राइम नंबर के, प्राइम नंबर में वैसा पैटर्न है जैसा इवन नंबर या ऑड नंबर में मिलता है? इसको देखने के लिए प्राइम नंबर ये है, 2 से शुरुआत होता है, 2, 3, 5, 7, 11। अगर हम यहाँ से ज़रा पैटर्न अगर देखने की भी कोशिश करें तो हम देखेंगे कि हम एक पैटर्न ये ले सकते हैं कि 10-10 के अंतराल में एक ना एक प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन यह सही नहीं है। ना प्राइम नंबर 2 के प्लस में आता है, ना प्राइम नंबर किसी अर्थमेटिक में आता है, ना ज्योमेट्रिक में, मीन ज्योमेट्रिक में आता है, ना यह एक एक 10-10 के अंतराल में एक प्राइम नंबर होगा, ऐसा भी नहीं है। शुरुआत में तो ये ठीक है, 1 से लेकर 10 तक 4 है, 2 से लेकर 10 तक 4 है, फिर 11, 13, 14, फिर इसमें 4 है, फिर 2, ऐसा करके। पर ये एक सिंगल एग भी नहीं होगा, ये यहाँ से कहीं कहीं गैप हो जाएगा। जैसे इस जगह 5, 2, 3 से डायरेक्ट 5, 4, 1 है, यहाँ 530 के बाद से कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो हम उस पैटर्न को भी नहीं ले सकते हैं कि एक ना एक प्राइम नंबर होगा, ऐसा भी नहीं बोल सकते। ये काफ़ी मुश्किल है इसका पैटर्न कि प्राइम नंबर, और इसमें एक एक मिलेनियम मिलेनियन मिलेनियन के लिए भी कुछ प्राइजेज है इसमें, अगर इसका पैटर्न खोजा जाए तो अब और ज़्यादा प्राइम नंबर इसमें 1000 तक लिखे हैं इसका। लेकिन प्राइम नंबर और इवन नंबर के बीच में एक ऐसा आज रिलेशन है जिस रिलेशन को जानना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हम नंबर थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले वही थ्योरम, थ्योरम नहीं है वो कंजेक्चर है। कंजेक्चर का मतलब होता है कि जस्ट एक बोला गया बोलचाल में भाषा है जिसको प्रूव, सही भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, लेकिन वो है और वो अपने आप को दिखाता है कि जो जिसने बोला है वो सही बैठ रहा है। तो वही वैसा ही एक कंजेक्चर है, गोलबैक्स कंजेक्चर। यह 1742 में एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बोला कि जो एक इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2, यानी कि 4 से लेकर शुरू होगा, ग्रेटर देन 2 तो 4 से शुरू होगा, 4 से शुरू अगर कोई इवन इंटीजर है दैट कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, उसको 2 प्राइम नंबर्स के सम के इक्वल लिख सकते हैं। जैसे कि अगर 4 है तो इसको प्राइम नंबर्स के 2+2 लिख सकते हैं, 4 से और बड़ा इवन नंबर क्या होगा? 6 होगा, 6 को लिखने के लिए 3+3, ये 2 प्राइम नंबर हैं। फिर 8, 8 को लिखने के लिए 5+3,
ये जो कंजेक्चर है इसका प्रूफ आज तक नहीं हुआ है। तो इसका इसमें हम पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा पैटर्न मिल सकता है जो इसको प्रूव करने में सहायक सिद्ध हो। जर्मन मैथमेटिशियन थे, 1690 से लेकर 1767 तक उन्होंने अपने जीवन काल है उनका। तो इवन इंटीजर हम जानते हैं उसमें एक पैटर्न होता है नंबर का, और साथ ही साथ प्राइम नंबर जिसका कोई पैटर्न नहीं है। तो ऐसा बोला है कि इसमें इवन इंटीजर को हम दो प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। ये इवन इंटीजर हम लगभग 100 से ऊपर तक, 100-150 के ऊपर तक हम ट्राई करके देखेंगे कि क्या हम सबको दो प्राइम नंबर के सम से लिख सकते हैं या नहीं इवन इंटीजर्स को। ये है फोर, फोर को जैसे पहले लिखे हैं, फोर है 2 प्लस 2 फोर, 6, 3 प्लस 3 8, 5 प्लस 3। यहाँ हमारे साथ एक मतलब एक प्लस पॉइंट ये है कि प्राइम नंबर जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा प्राइम नंबर भी वैसे वैसे बढ़ रहा। तो एक प्लस पॉइंट हम एक अगर पैटर्न निकाल पाए तो यह अच्छा होगा। जैसे 4 को 2 प्लस 2 लिखें, फिर 6 हुआ, 4 से प्लस 2 होके 6 आया। फिर क्यों ना हम इसको इसको डबल एक एक करके प्लस कर दें, क्योंकि 2 के बाद तो एक प्राइम नंबर 3 ही आता है। अगर 6 को लाना है तो 2 के बाद 3 आता है, फिर 3 के बाद 5 आता है। 5 प्लस 1 तो यहाँ नहीं लिखा जा सकता ना। अगर यहाँ 5 प्लस 1 लिख देंगे 6 के बदले, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है। हमको इवन इंटीजर के लिए प्राइम नंबर ढूंढना है, तो दोनों में एक एक प्लस करती है, 3 प्लस 1 प्लस 1 3 3। फिर 8 के लिए लिए 1 8 किए इसमें, 5 प्लस 3 8। 10 के लिए 3 7 प्लस 3 10। क्यों? क्योंकि अगर इसमें 8 से 10 बढ़ा तो 2 बढ़ा, फिर हम इसमें 2 बढ़ा दें और इसको सेम टू सेम उतार दें। हम एक पैटर्न निकालने की कोशिश करें। फिर 10 से 12 के लिए 2 2 प्लस हुआ। फिर यहाँ देखा गया, देखें कि 7 से अगर अगला प्राइम नंबर हम 2 के अंतराल में नहीं पा सकते, लेकिन 3 के लिए पा सकते हैं, तो इसमें +2 कर दें, 7 इक्वल टू 5 प्लस 12। फिर 2 बढ़ा तब 14 इक्वल टू 7 प्लस 7। क्यों? क्योंकि 7 से अगर 2 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, तब 9 तो प्राइम नंबर है नहीं। लेकिन 5 से अगर प्लस करेंगे 2 तो 7 प्राइम नंबर है, 7 प्लस 7 ये ठीक बैठता है। फिर 16 के लिए वैसे ही हमारे पास, हम पहले से एक प्री मतलब माइंड में ला सकते हैं कि हमको किसको सम करना है। अगर 16 के लिए देखेंगे तो फिर दोनों में आ नहीं रहा है, 11 11 तो होगा नहीं, तो 11 7 तो होगा नहीं। अगर 7 11 1 को करें तो इसको अगर 11 करें, 4 बढ़ाएं तो इसमें 2 माइनस कर दें, 5 11 प्लस 5। यहाँ तक हमको लग रहा है कि एक पैटर्न में हम आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत होगी बाद में जब हम इसी पैटर्न को बार बार करते जाएंगे, लेकिन हर टाइम से एक इंक्रीजिंग है। अभी तो अभी से यहाँ क्या हो रहा, प्राइम नंबर इंक्रीजिंग पैटर्न में आ रहे हैं। जैसे यहाँ से 2 3 5 6 7 7 7 11 11 13, ये इंक्रीजिंग पैटर्न में आ रहे हैं। हालांकि ये अभी इंक्रीजिंग नहीं आ रहा, ये एक जगह इंक्रीजिंग आ रहा, फिर यहाँ से यहाँ डिक्रीज किया। लेकिन क्यों डिक्रीज किया? क्योंकि 7 से 4 बढ़ा दिए, फिर इससे 2 बढ़ाना होता है हमारे 14 से 16 के लिए, तो फिर हम इसमें 2 घटा भी दिए। लेकिन एक ही दिक्कत आया है, तो अगर होगा आगे। लेकिन ऐसे ही 20 किए, 13 से फिर 17, 17 से 4 बढ़ाएं तो 2 घटाएं, 5। यहाँ यहाँ से सारा इंक्रीजिंग आ रहा, 19 23 23 29 29 29 29 31 37, यहाँ तक ठीक है। यहाँ 5 7 7 7 करके फिर अगर घट रहा है तो इसमें जितना बढ़ रहा है, अगर इसमें 6 बढ़ रहा है तो इसमें 4 घट रहा है। यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं लगा, यहाँ तक कुछ ना कुछ पैटर्न मिल सकता है। लेकिन फिर 37 37 41 41 40 47 47 53 53
69, 59, 59, 61, 67, 67, 71, यहाँ तक इधर भी पूरा का पूरा एक इंक्रीजिंग प्राइम नंबर में एक फर्स्ट सीरीज हम लोग लिख सकते हैं। फिर इसमें आया 57 57 57 करके, फर्स्ट वाला सीरीज तो इंक्रीजिंग है, ये एक पैटर्न हम पाए 80 80 तक 73 71, यहाँ से प्राइम नंबर 71 है, 73 79 83 83 89, यहाँ तक फर्स्ट टर्म फर्स्ट वाला प्राइम नंबर इंक्रीजिंग पैटर्न में ही आ रहा है। लेकिन 98 लिखने के लिए हमारे पास कोई मतलब 98 हम नहीं लिख सकते, हमको पहला 89, अगर हम इसमें 89 लिख दें तो 89 फिर 98 करने के लिए हमको उसमें कितना ज़रूरत होगा, 98 को अगर हम ऐसे लिखें 98 इज इक्वल टू 89 प्लस, यहाँ सात पहले कर चुके थे, 8 9 करना होगा, तो 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो फिर उसको 11 भी तो नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली हमको 89 को प्रीवियस टर्म लेना होगा। अब 83 लेंगे, अगर 83 लेते हैं 98 इज इक्वल टू 83 प्लस कितना करेंगे, तो यहाँ पर हमको करना होगा 5 15, 83 प्लस 15 इज इक्वल टू 98, तो 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, फिर हमको 83 ना लेकर इससे प्रीवियस प्राइम टर्म जो है वो है 79 लेना है, वो 79 प्लस 90, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा लेट लगा इसको करने के लिए। फिर वो अगला टर्म फिर 89 से फिर इंक्रीजिंग में आएगा 97 97, 101 103 107 109, यहाँ तक सब ठीक है, एक दिक्कत इस जगह हुई। एक सौ नौ तक आए हैं प्राइम नंबर, 109 के बाद 113 113 ठीक है, फिर 109 क्यों कि यहाँ पर भी वैसे ही हुआ दिक्कत, फिर अगला लिख नहीं सकते, फिर हमको प्रीवियस जाना पड़ा, प्रीवियस कितना जाना पड़ा, हालांकि 109 तक ही गए, 109 में ही हमारा काम हो गया, फिर 113 फिर 109 आया, अब यहाँ 13 से लेकर 19, यहाँ पर जो है मतलब पेन पेपर में कैलकुलेशन में भी यह आसान है, कर सकते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर में इसको किया जाए तो 10 टू द पावर 14 कितने टर्म तक किया गया आज तक, इससे ज़्यादा भी किया गया, शायद 10 टू द पावर 18 किया गया हो, ये कितना बड़ा नंबर है हमको नहीं पता, लेकिन ग्राफ में अगर कैलकुलेट करने के लिए तो ग्राफ में इरर ही बताएगा, एक ग्राफ में जियोजेब्रा के ग्राफ में अगर देखे थे बताता ही नहीं है, सबसे पहले 10 टू द पावर 5 पर ही इसे एक्स पहले पुट किए, ठीक है, फिर इसे 10 किए, फिर इसको 100x किए, तो ये ग्राफ ऐसे था पहले, एक्स एक्स में ग्राफ ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, और हम इस एक्स एक्सिस को 10 टू द पावर 5 तक लेके आ गए, फिर भी ये दिख ही नहीं रहा कितना बड़ा ये नंबर है, हमको नहीं अनुमान ही नहीं लग पाया। 37 वो फिर 27 27 27 करके आया, फिर यहाँ पे एक और टर्न छोटा हुआ, ऐसे करके आगे बढ़ते रहा, ठीक है, पर अगर ऐसा मिलता तो जो है कि इवेन नंबर प्राइम वन प्लस प्राइम टू का जो समीशन होता है, इसके लिए कोई फॉर्मूला हो सकता था, अगर इस पैटर्न को फॉलो करता है, अगर इंक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो करता तो, लेकिन वो इंक्रीजिंग पैटर्न को भी फॉलो नहीं कर रहा, तो अब तक तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या उसका फॉर्मूला या फिर ऐसा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझ में भी आता है कि इवेन नंबर है
है तो इसमें कुछ मैथमेटिक्स है भी नहीं, लेकिन तब भी वो पैटर्न नहीं मिल रहा। थैंक यू।